दोस्तों आज मैं द बेबी सिटर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम 12 साल के एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम कोल होता है। कोल को काफी चीजों से डर लगता था, जैसे कि इंजेक्शन, इंसेक्ट आदि बहुत सी चीजों से, जो कि सभी के लिए नॉर्मल थी। और यही वजह थी कि कोल को स्कूल के काफी बच्चे बुली करते थे, जिनमें से खुद उसका पड़ोसी जेरमी भी था। कोल के मोम डैड का रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए वो अक्सर वैकेशन पर जाया करते थे, जिसकी वजह से कोल अकेला हो जाता था। और इसीलिए उसके पेरेंट्स ने कोल के एक बेबी सिटर ढूंढ रखा था जिसका नाम बी था। बी और कोल काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन बी के अलावा कोल की एक अच्छी क्लास फ्रेंड भी थी जिसका नाम मेलिनी था, और वो भी उसकी पड़ोसी थी। अब ऐसे ही एक बार कोल के पेरेंट्स बाहर जा रहे थे और बी को कोल का ख्याल रखना था। अगले दिन जब कोल स्कूल जा रहा था तो मेलिनी उससे कहती है कि बेबी सिटर रात में बच्चों को सुलाकर अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को घर बुलाती है ताकि उनके साथ फिजिकल एंजॉय कर सके। इस बात पर कोल डिसाइड करता है कि आज रात वो जग कर बी पर नजर रखेगा। अब कोल बेबी सिटर को काफी करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा आकर उसके साथ रिलेशन बनाए। अब घर आने के बाद कोल बी के साथ खेलता है और उसके साथ डांस करता है। अब ये दोनों साथ में डिनर करके मूवी देखते हैं। फिर जब रात के 11 बज जाते हैं तो कोल के सोने का टाइम आ जाता है। तभी सोने से पहले कोल मेलिनी से चैट करता है। मेलिनी उसे याद दिलाती है कि आज रात तुम्हें नीचे जाकर उस पर नजर रखना है, क्योंकि तुम्हारे सोने के बाद ही वो ये सब करेगी। तभी बी कोल को पीने के लिए ड्रिंक देती है जिससे उसे नींद आ जाए, लेकिन कोल उस ड्रिंक को नहीं पीता और फेंक देता है और सोने का नाटक करता है। अब जैसे ही बी उसके कमरे से बाहर जाती है तो कोल भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी कोल देखता है कि बी ने वहाँ कुछ स्ट्रेंजर्स को बुलाया हुआ है और वो सभी ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे थे। इन स्ट्रेंजर्स का नाम था सोनिया, मैक्स, एलिसन, जॉन और सैमुअल। अब यहाँ बी को एक डेयर करना पड़ता है जिसमें उसे सभी लोगों को किस करना था। फिर वो एक एक करके सभी के पास जाकर उन्हें किस करती है। लास्ट में जब बी सैमुअल को किस करती है तो अचानक वो उसके सिर पर दो चाकू घुसा देती है और रूम में मौजूद सभी सैमुअल के ब्लड को एक बर्तन में इकट्ठा करने लगती हैं। ये देखकर हमें पता चलता है कि भी उन सभी स्ट्रेंजर्स के साथ एक सैटेनिक रिचुअल करने वाली है। कोल ऊपर से ये सब देखकर काफी हैरान होता है। इसके बाद बी उन सब के सामने एक बुक रिवील करती है। बी कहती है कि एकमात्र ऐसी बुक है जो कहीं भी नहीं मिलेगी, यानी कि एक इकलौती बुक है। अब बी उस बुक में कुछ लाइन पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि इस किताब के एक वर्ष को पढ़ते वक्त उसे बलि दी गई आदमी के ब्लड को इस बुक पर डालना होगा। ऐसा करने से इस कमरे में मौजूद सभी लोगों की कोई एक इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को कम्प्लीट करने के लिए उन्हें एक मासूम बच्चे का भी खून चाहिए होगा, और वो मासूम बच्चा कोल ही होने वाला था। इधर कोल ये सब बातें सुनकर काफी डर जाता है और जल्दी से भागकर अपने रूम में जाता है और 991 पर कॉल करता है और फिर वहीं सोने का नाटक करने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ बी अपने दोस्तों के साथ आती है और एक इंजेक्शन के जरिए कोल का कुछ ब्लड बाहर निकालती है। कोल सिरिंज से काफी डर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उन सबके सामने सोने की एक्टिंग करता है। दरअसल बी ने कोल के ड्रिंक में कुछ दवाई मिला दी थी ताकि कोल 8 घंटे के लिए सोता रहे, लेकिन क्योंकि कोल ने ड्रिंक पिया ही नहीं था इसलिए वो अभी जग रहा होता है। खैर ब्लड लेने के बाद बी सभी के साथ नीचे चली जाती है और इसके बाद कोल वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। कोल कुछ कपड़ों को एक दूसरे में बांधकर विंडो से नीचे लटकाता है, लेकिन उसके भागने से पहले ही वहाँ बी आ जाती है। अब कोल का ब्लड निकलने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब कोल की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक चेयर में बंधा हुआ पाता है जहाँ उसके सामने बी और वो सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं। कोल उन सबको देख कर अनजान बनने की कोशिश करता है कि जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा है। अब बी कोल को बताती है कि वो उसके साथ क्या करने वाली है, पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी उस पुलिस वाले को मार देता है और दूसरे पुलिस को भी मार डालती है। और इस हाथापाई में पुलिस की एक गोली एलिसन के सीने में लग जाती है जिससे वो मारी जाती है। अब दोनों पुलिस वाले मारे जा चुके थे पर उनके वॉकी टॉकी पर बैकअप यूनिट के मैसेजेस आ रहे थे और इन मैसेजेस का रिप्लाई सिर्फ पुलिस कोर्ट की मदद से किया जा सकता था और उन कोर्ट्स के बारे में सिर्फ कोल ही जानता था। फिर भी कोल को धमकाते हुए वो कोर्ट्स लेती है और मैक्स उस कोर्ट से वॉकी टॉकी पर ये मैसेज पहुंचाता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। ये सब देखकर कोल अपनी रस्सी काट कर किसी तरह से वापस से ऊपर वाले कमरे में जाता है और जॉन उसका पीछा करने लगता है, पर तभी उसका पैर सीढ़ियों से स्लिप कर जाता है और उसका सिर नीचे एक नुकीली चीज से टकराता है और वो वहीं पर बुरी तरह मारा जाता है। इधर कोल अपने रूम में जाकर उन्हीं कपड़ों की मदद से विंडो से नीचे आने लगता है। तभी मैक्स उसे पकड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन कोल किसी तरह विंडो से नीचे उतर जाता है। नीचे आने के बाद कोल अपने घर के नीचे वाले बेसमेंट में जाकर छिप जाता है जहाँ पर बहुत सारी चींटियां होती हैं, पर कोल यहाँ भी अपने डर पर कंट्रोल कर लेता है। सोनिया कोल को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और बेसमेंट के अंदर जाकर उसे ढूंढने लगती है। तभी कोल उसके तरफ फायर रॉकेट छोड़ता है, लेकिन सोनिया किसी तरह उस रॉकेट से बच जाती है, लेकिन कोल बड़े ही चालाकी से सोनिया को वहीं पर लॉक कर देता है और उस पर बग स्प्रे छिड़क देता है। अब आग और उस स्प्रे के आपस में मिलने से एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें सोनिया भी बुरी तरह मारी जाती है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर मैक्स वहाँ जाता है जो कोल को देखता है। मैक्स कोल का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी कोई उसके घर के ऊपर अंडे फेंकने लगता है। मैक्स उससे
पूछता है कि ये कौन है जो तुम्हारे घर पर अंडे फेंक रहा है। कॉल उसे बताता है कि वो उसका स्कूल फ्रेंड जेरमी है जो उसे चिढ़ाने के लिए रोज उसके घर पर अंडे फेंकता है। मैक्स कॉल से कहता है कि तुम्हें इससे लड़ना होगा, नहीं तो ये हमेशा तुम्हें सताता रहेगा। ये सुनकर कॉल जेरमी से लड़ने के लिए उसके पास जाता है, पर जेरमी उसे पीट कर यहाँ से चला जाता है। कॉल को हरा हुआ देख कर मैक्स उसके पास जाता है और उसे जान से मारने का प्लान बनाता है। ये सब देख कर कॉल एक ट्री हाउस पर चढ़ जाता है। मैक्स भी वहाँ आने लगता है, तभी वो दोनों ट्री हाउस से नीचे कूदते हैं, पर इस बीच एक रस्सी मैक्स के गले में जा फंसती है जिससे मैक्स को फांसी लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी भी उस पर शॉटगन से गोली चलाने लगती है। कॉल वहाँ से भागता हुआ अपनी पड़ोसी मेलनी के घर पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर वो उससे तुरंत पुलिस के पास कॉल करने के लिए कहता है। तभी वहाँ बी भी आ जाती है जो कॉल को ढूंढने लगती है। कॉल और मेलनी बी से बचकर एक किनारे छिप जाती है। यहाँ कॉल मेलनी को अपने दिल की बात बताता है। मेलनी भी कॉल को लाइक करती थी, इसीलिए कॉल उसे बचाने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर कॉल बी से चिल्लाकर कहता है कि मैं यहाँ हूँ। ये कहकर कॉल वहाँ से भागता हुआ अपने घर आ जाता है। घर के अंदर कॉल को एलिसन मरी हुई दिखाई देती है, साथ ही उसे टेबल पर वो रिचुअल बुक भी मिल जाती है जिसे लेकर कॉल उसे पढ़ने लगता है। तभी एलिसन अचानक से उठ जाती है और कॉल पर हमला करने लगती है। कॉल किचन में रखे चाकू को ढूंढने लगता है, पर वो चाकू एलिसन के पास थी। अब एलिसन उस चाकू से कॉल पर अटैक करने के लिए बढ़ती है, पर तभी वहाँ बी आकर उसके सिर को गन से उड़ा देती है। अब बी कॉल को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन कॉल बी की रिचुअल बुक को उठाकर उसे जला डालने की धमकी देता है। अब क्योंकि ये बुक सिंगल थी इसीलिए बी कॉल को न मारने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कॉल बी से पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। इस पर बी कहती है कि उसने रिचुअल के समय शैतान को एक बच्चे की बलि देने का वादा किया है जिसके बदले में उससे वो सब कुछ मिलेगा जो उससे चाहिए। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बी ने इस रिचुअल को पहले भी कई बार कर रखा है और कॉल पहला इनोसेंट बच्चा नहीं है जिसको बी ने इस रिचुअल में फंसाया है। बी कहती है कि अगर तुम पुलिस को बुलाकर उनसे ये कहो कि बाकी लोग कातिल थे और बी बस उसे बचाने में मदद कर रही थी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर इस शहर से चली जाऊंगी। पर कॉल गुस्से में उस बुक में आग लगा देता है। बी उस आग को बुझाने की कोशिश करती है और कॉल वहाँ से बाहर आता है। बाहर आकर कॉल मेलनी के डैड की गाड़ी चुरा कर तेजी से सीधा उसे अपने घर में ठोंक देता है जिससे बी गाड़ी के नीचे दब जाती है और बी के न चाहते हुए भी वो बुरी तरह मारी जाती है। अब कुछ देर बाद यहाँ कॉल के पेरेंट्स और पुलिस भी आ जाती है जिसके बाद यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कॉल और मेलनी दोनों साथ मिलकर काफी खुश होते हैं। साथ ही कॉल ने ये प्रूफ कर दिया होता है कि उसने अब अपने डर पर कंट्रोल कर लिया है, इसीलिए अब उसे किसी बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम एक फायर फाइटर को देखते हैं जो कॉल के घर के अंदर चेक करने आया हुआ था। तभी हम देखते हैं कि बी कार के नीचे नहीं होती है। अचानक बी एक नाइफ से उस फायर फाइटर पर अटैक कर देती है जिससे हमें पता चलता है कि बी अभी जिंदा है और इस मूवी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना।